हेलो दोस्तों, एमजीआर टेक्निकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका भाई गैसुर रहमान। दोस्तों, दिवाली का अवसर चल रहा है। इस अवसर पर या इस मौके पर इस तरह के बल्ब हमारे पास आ जाते हैं जिनको डिस्को लैम्प या डीजे लैम्प के नाम से जाना जाता है, जो घूमता है और घूमने के बाद ये दीवार पर बहुत ही अच्छा एक प्रिंट कलर का बना देता है, जो दीवार अच्छी खूबसूरत दिखाई देती है। तो दोस्तों, इसमें जब कमी आ जाती है तो इसको कैसे ठीक किया जाता है, इस बारे में आज ये वीडियो बनाने का मकसद है। और आज हम इसे किस तरह ठीक करते हैं इस वीडियो में ये जानने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैंने अपना ये सीरीज बोर्ड ले लिया है और इसे इसमें लगाकर देखते हैं कि इसमें ये चल रहा है या नहीं चल रहा। तो इस तरह देख के दोस्तों, ये बिल्कुल भी गिलो नहीं कर रहा है। हालांकि मेरी सीरीज बोर्ड बिल्कुल सही है, जिसे मैं अभी आपको दिखाने भी वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, सीरीज बोर्ड मेरा बिल्कुल सही है और जब मैं इसका स्विच लगाता हूँ या इसके तब वायर लगाता हूँ तो ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो इसमें अक्सर दोस्तों ज़्यादा बड़े फॉल्ट नहीं आते, इसे बहुत छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जिसे आप बड़े आराम से या आसानी से इसे रिपेयर कर सकते हैं। इसमें एक छोटी सी प्लेट होती है जिसको आप घर बैठे भी इसको बना सकते हैं और इसे चालू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसे खोल कर देख लेते हैं इसमें किसी तरह के पार्ट्स होते हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो यहाँ दोस्तों, इसमें स्क्रू लगे हुए होते हैं, उन्हें भी हम खोल लेते हैं। और स्क्रू खोलने के बाद इसे इस तरह से बाहर की ओर खोल लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, ये इसमें एक डीसी मोटर लगा हुआ है जो कि जो ऊपर का इसका कैप है उसे घुमाने का काम करता है। इसका काम सिर्फ इसे घुमाने का ही होता है और कोई काम नहीं होता। जो ऊपर का इसका कैप लगा हुआ होता है उस कैप को ये घुमाता है तो जो बल्ब की किरणें हैं वो घूम घूम कर दीवार पर अच्छी दिखाई देती है, कलरफुल दीवार दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, इस पर इस तरह से एक टेप लगा हुआ होता है, इसे टेप को निकाल लेते हैं और उसके बाद इसमें देखते हैं कि इसमें कौन सी चीज खराब हो चुकी है। ये देखिए दोस्तों, इसमें बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये इसका जो कैपेसिटर है ये फट चुका है, जो कि काफी लंबा दिखाई दे रहा है, जिसे मैं अभी आपको निकालने के बाद ही दिखाने वाला हूँ। और ये कौन सी वैल्यू का कैपेसिटर है इसे भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल फट चुका है। इसके अंदर कैप के अंदर भी आपको काला काला दिखाई दे रहा होगा, जिसकी वजह से ये गर्म होने के बाद फट चुका है। तो चलिए दोस्तों, इसे मैंने निकाल लिया है और ये देख सकते हैं आप कि ये फटने के बाद कितना लंबा हो चुका है, यानी इसका जो कैप है वो कितना ऊपर आ चुका है। देखिए बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है। और दोस्तों, इसकी वैल्यू के अगर के बारे में जाने तो ये अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।
ये 50 वोल्ट और 22 यूएफ में होता है, यानी 50 वोल्ट है इसके और इसकी जो क्षमता है एमएफडी है वो 50 यूएफ है। तो सेम टू सेम दोस्तों हमें इसी तरह का इसमें कैपेसिटर लगाना होगा। ये देखिए 50 वोल्ट और 22 यूएफ इस पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ, इस लैंप को अगर आप चाहें तो इसका एक सर्किट बनाकर भी इसको चालू कर सकते हैं, जिसमें 4 डायोड लेने होंगे और उनको आपस में माइनस प्लस में ऐड कर आपस में जोड़ लेना होगा और उसी का एक सर्किट बना लेना होता है, जिसमें एक रेजिस्टेंस भी लगाई जाती है। इसको भी मैं आपको अगर भाई चाहेंगे तो मैं उसको भी बनाकर दिखा दूंगा। तो ये देखिए दोस्तों ये नया कैपेसिटर मैं ले लिया है जो कि 50 वोल्ट 22 यूएफ का है। अब मैं इसको इसमें लगा दूंगा और उसको चलाकर देखूंगा। यहाँ दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए और अगर चाहते हैं कि नई वीडियो मेरे आपके पास नोटिफिकेशन के जरिए तुरंत आपके पास पहुँचे तो बेल आइकन को भी दबाया कीजिए, ताकि मेरी वीडियो अपलोड करने के बाद तुरंत ही आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों यहाँ ये ऐसे कैपेसिटर को मैं इसमें लगा लूँगा और लगाने के बाद अब मैं आपको इसे चलाकर भी दिखाऊंगा। ये देखिए दोस्तों मैं इसमें स्विच में इसको लगा रहा हूँ और जैसे ही मैं इसका बटन दबाता हूँ हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से हमारा बल्ब ग्लो करने लगा है। आप घर बैठे इसे बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर।